सो नेचुरली कसूरी मेथी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मेथी के बड़े बड़े दो बंच। उसके बाद सारी मेथी के पत्तों की अच्छे से सफाई कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी कर लिया है। कसूरी मेथी बनाने के लिए हमें इस तरह से पत्ते ही लेने हैं, यानी कि फेनुग्रीक लीव्स के स्टिक नहीं लेने हैं, डंठे नहीं लेने हैं। पत्ते के जो बहुत ही नजदीक वाले डंठे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये आप ले सकते हैं। इसकी सफाई देखिए, आप देख सकते हैं फेनुग्रीक लीव्स के सब वेस्टेड पार्ट है और ये पूरे पत्ते पत्ते छान लिए हैं। ये जो रहते हैं फेनुग्रीक लीव्स के बहुत ही सॉफ्ट स्टिक है। अगर मैं सब्जी बना रही होती तो इसका इस्तेमाल जरूर करती सब्जी में, लेकिन हम कसूरी मेथी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं, मेथी के लीव्स से भी ज्यादा न्यूट्रिशन इस डंठे में रहते हैं। जनरली बहुत सारे लोग फेंक देते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं देंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी कि इस सॉफ्ट मेथी स्टिक का कैसे इस्तेमाल करें, इसके भी हम कौन कौन से डिशेज बना सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी अगले वीडियो में। उसके लिए आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पे बेल आइकन में क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मिलते रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा अगला वीडियो मेथी स्टिक से भी बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस वाले कोई तो आइटम हम जरूर बना सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये तैयार है अब हमारे फेनुग्रीक के सारे लीव्स कसूरी मेथी बनाने के लिए। चलिए अब हम सुखाते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, मेथी के सारे लीव्स को हमने अच्छे से साफ भी कर लिया है और उसको दो तीन बार अच्छे से धो भी लिया है और पूरी पानी छान ली। तो अब हम क्या करेंगे, रूम के अंदर ही, धूप में नहीं सुखाएंगे, रूम के अंदर ही एक टेबल ले रही हूँ और इसमें मैं एक न्यूज पेपर बिछा रही हूँ। चाहे तो आप कॉटन का कपड़ा बिछा लीजिए। न्यूज पेपर या कॉटन का कपड़ा हम इसलिए बिछाते हैं, जो भी मॉइस्चर रहता है, यानी कि जो भी पानी रहते हैं, वो सब मॉइस्चर सोख लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अब न्यूज पेपर बिछाने के बाद पतला सा करके सारे के सारे मेथी के जो लीव्स है इसमें पतला सा करके बिखेर देना है। तो छाव में ही हम मेथी के लीव्स सुखा के कसूरी मेथी बनाएंगे। दो घंटे हो गए हमने इसको इस तरह से सुखाने रख दिया था, आप देख सकते हैं पेपर पूरा भीग गया है। ओके, तो हम इसको फिर से उलट देंगे। इस साइड से ऊपर से मॉइस्चर सूख गए हैं, अब नीचे के साइड से भी मॉइस्चर सुखा लेंगे। सो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके हैं, तो ये मॉइस्चर जो इनका बिल्कुल सूख गया है। तो ये जो है पेपर हमारा बिल्कुल भीग गया है, मैं अभी ये चेंज कर दूंगी, पेपर चेंज कर दूंगी और वापस से इसे फैला दूंगी नए वाले पेपर में। अब इसमें सारे मॉइस्चर तो सूख गए हैं, अब हमें इस मेथी को वापस फैला देंगे। इस तरह से मेथी बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, पर इसमें कुछ करना नहीं रहता है ज़्यादा, ये बस इनको फैला देना है और कैंटर में उलट पलट के देना है और कुछ इसको बैठ कर देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। धूप में भी हम सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में इतनी अच्छी कसूरी मेथी नहीं बन पाती है, काले पड़ जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और रात को दूसरा दिन है आज। देखिए मेथी के लिप्स सिकुड़ के कितने कम हो गए हैं, इसको हम वापस से उलट पलट देंगे। ठंडी में इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, वैसे तो हमें कोई मेहनत करनी नहीं है इसके लिए, हम सुखाते रहेंगे जितना भी टाइम लगे। ठीक है, तो इसी तरह से छोड़ देंगे तीन चार घंटे में हम इसको उलटते पलटते रहेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो आज थर्सडे है, चलिए देखते हैं हमारी फेनुग्रीक लीफ बिल्कुल सूख गई है, लेकिन ये क्रंच नहीं हुआ है। देखिए प्लेट में हम इसको ले लेंगे। अब पूरे 2 दिन और 2 रात मैंने इसको सुखाए हैं बिना फैन के, वैसे ही छाव पे सुखाए हैं, वो भी ठंडी का सीजन है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने का मकसद इतना ही है कि हम इसको क्रंच बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम छत पे आए हुए हैं अभी, ध्यान कीजिए कि धूप में इसे पहले से ही नहीं सुखाना है, बस जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, बस इसमें अच्छे से क्रंच लाने के लिए इसको हमें कुछ देर धूप में रखना है। सो आफ्टर 1-2 घंटे के बाद मैं छत पे वापस आई हूँ और ये देखिए अभी ठंडी का धूप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए आधा 1 घंटा रखने पर भी इनफ नहीं है, बहुत क्रंच हो जाता है, लेकिन मैंने कम से कम 2 घंटे इसको रख दिए हैं और देखिए यू कैन हियर इट साउंड। ओके सो गाइस, ये रही तैयार बनके हमारी
ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी। 2 दिन और 2 रात मैंने घर पे ही इसको छांव पे सुखाया, वो भी बिना फैन के। और आज मैंने इसको 2 घंटे धूप में सुखाया और ये बहुत ही, कहते हैं बहुत ही क्रंची बन गई है। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, फिर से सुनिए, कहते क्रंची हो गई है। अब बारी है इसको स्टोर करने की, तो कैसे स्टोर करना पसंद करेंगे आप इसको? सबसे पहली बात, इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए और बहुत ही फाइन पाउडर बना लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही क्रश करके फिर भी आप इसको रख सकते हैं। और तीसरा तरीका है बिना पाउडर बनाए, बिना क्रश किए, यानी कि इस सूखे हुए पत्तों के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको जैसे भी स्टोर करना है आप करें, बस आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखना है। आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी इसका कलर खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा ग्रीन कलर आ रहा है। सच में अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ये कसूरी मेथी केवल 10 रुपये में तैयार हुए हैं। 2 बंच मेथी के लिप्स 10 रुपीज़ में लिए थे। इसे बनाते दौरान मुझे और किसी चीज़ में खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ 10 रुपये में बन के तैयार है इतनी सारी कसूरी मेथी। तो चलिए इसे मैं कंटेनर में डालती हूँ। देखिए ऑलरेडी मैंने माइक्रोवेव में बना के रखे हुए कसूरी मेथी है मेरे पास थोड़ा सा। अब मैं इसी कंटेनर में इस पाउडर को डाल दूंगी और इसका ढक्कन में अच्छे से बंद करके इसको रख दूंगी और जब चाहे मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ।